झारखंड के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू को एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति के लिए प्रत्याशी बनाए जाने पर झारखंड बीजेपी में हर्ष है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पार्टी की तरफ से उन्हें प्रत्याशी बनाए जाने पर उन्हें बधाई दी है। साथ ही साथ उन्होंने विपक्षी दल से अपील की है कि सभी सर्वसम्मति से डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के लिए समर्थन दें। ये बोर्ड ने एनडीए का सर्वसम्मत से जो महामहिम राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बनाया, तो मैं समस्त झारखंड वासी के साथ साथ उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, समस्त आदिवासी समाज और सभी देशवासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी और जेपी नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई। आज़ादी के बाद पहली बार जिस आज़ादी के लड़ाई में हमारे गरीब आदिवासी परिवारों ने भी खून बहाया था, वैसे समाज में एक महिला आदिवासी को महामहिम राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाना दुनिया को एक संदेश देने का काम कि भारत जो दुनिया की सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है, जहाँ एक चाय बेचने वाला का बेटा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो भारत एक ऐसे देश में एक गरीब घर में जन्मे उड़ीसा के रायरंगपुर जिला जो जमशेदपुर से सटे हुए एक गरीब घर की महिला भी इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का राष्ट्रपति बन सकता है, ये संदेश न सिर्फ देश बल्कि दुनिया को देने का काम हुआ है। मैं इस अवसर पर जो हमारे विपक्षी दल के उम्मीदवार माननीय जसवंत सिन्हा जी एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, जिस तरह विपक्षी दल ने फारूक अब्दुल्ला जी को भी आज राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना चाहा, माननीय शरद पवार को भी बनाना चाहा, लेकिन उन लोगों ने रिफ्यूज कर दिया, तो अब झारखंड के हित में, इस देश के आदिवासी समाज के हित में तमाम विपक्षी दल, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, वामपंथी हो, सपा हो, आरजेडी हो, तमाम दलों से अनुरोध करने के साथ साथ विशेषकर जसवंत सिन्हा जी जो झारखंड से ही उनकी राजनीतिक उनकी ऊंचाई पहुंची थे, तो एक नाम वापस लेकर वो राष्ट्रपति चुनाव एक आदिवासी महिला बने तो सर्वसम्मत चुनाव हो ना हो और सर्वसम्मत सभी दल का उम्मीदवार बने, ये माननीय जसवंत सिन्हा जी इसके लिए पहल करें। थैंक यू।